अखबार के जरिए अपने कलम के जरिए अपनी पोलिटिकल ताकत के जरिए साढ़े खिलाफ होने वाले मसायल के उत्ते हमेशा गुफ्तगू की है, हमेशा उन्हें बुलंद आवाज रही है। कलम निगार कलमे के हमेशा अपनी शनाख्त की गल की ने, सियासी एक्टिविस्ट सियासत यह गल की ने, डायलाग की बार बार गल कर। मैं दावत देसा राणा महबूब अख्तर साहब को खास तौर पर स्टूडेंट्स नाल आते खिताब करे से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तो पहले शुक्रिया राणा साहबान का, मोहतरम राणा अजमल साहब, राणा एजाज साहब, उन्होंने अजीज राणा सरफराज नौन साहब का, मैं तमाम किते सारे दोस्तों वास्ते। अज असें सवेर तो मुल्तान तो रवाना थे हैं और राबता मुहिम या वसेब यात्रा से निकले हैं। वो यात्री पांधी ते मुसाफिर च एक फर्क होना, पांधी पेरे नाल टुरदे, यात्री अखी दे बल टुरदे। असा अज ई वसेब को अपनी अख नाल लिठे, मोहब्बत नाल लिठे। ये सफर सारा जारी है और साकू तवक्को है कि असा जड़ी गाल घिन के टुरे हैं, कल कोई वडेरा, कोई जागीरदार, कोई इलेक्टेबल, कोई सियासी अगवान तुहाकू वेच ना सकसी। और इज्तमाई दानिश ई वसेब दी सारे काम आसी। उंदे जहूर दरेजा साहब, राणा सरफराज नौन साहब, अजमल मिसन साहब, शाहनवाज मशहूरी साहब, मजहर कात साहब, उजाला लंगा साहबा, इस सारे जड़े दोस्त इन पे, उस्मान करीम भुट्टा साहब, मैं सारे दोस्तों का नाम गिन सकता, टाइम जाए थी जी। उस इस सारे दोस्तों की जी इज्तमाई दानिश है वो इंशाल्लाह तुस देख सो जी अस एफर्ट करें पे हैं सारे काम आ सी। स्टूडेंट्स नाल खास तौर पर मैं एक गल जरूर करना चाहता कि साकू ये आखें कि जनाब सूबा पंजाब को तकसीम करन दी साजिश है। भी पंजाब तो 1947 में तकसीम थी गई, ईस्ट पंजाब और वेस्ट पंजाब, और वल ईस्ट पंजाब त्रै हिस्सा तकसीम थी गए, जो इंडियन ईस्ट पंजाब है वह त्रै हिस्सा मजीद तकसीम थी गए। और जी को असा सरायकी वसेब आदे हैं, सरायकिस्तान आदे हैं, सरायकी वसु आदे हैं, ये वसु तो पंजाब तक नहीं, हिस्सा ही कोई नहीं रही। इन वसु की तारीख अलग है। देखो मुल्तान को अदी अस्थान आदि, अदी अस्थान का मतलब दुनिया का पहला शहर है, अस्थान का मतलब होंगे असेंबलिंग प्लेस, अदी का मतलब है फर्स्ट, इट वॉज द फर्स्ट असेंबलिंग प्लेस ऑफ ह्यूमन्स। दुनिया के सिर्फ दू शहर ये दावा करेंगे कि दुनिया की नाफ है, एक कायरो मिस्र का जड़ा नील के किनारे आबाद है, और एक मुल्तान जड़ा त्रै दरियावां के किनारे आबाद है, जिन्हें चो दू दरिया अस वेच दिते। मुल्तान की तारीख का पहला हिस्सा मोहनजोदड़ो है, 5000 साल कदीम शहर। उन्दे बाद मुल्तान की तारीख का मैं तफसील ब्रीफली तो ग्लिम्पसेस दसेसन तारीख दिया। दूजा दौर मुल्तान की तारीख का वेदिक अहद को आदन, ये वेदा इतना ही इन्हें दरियावें किनारे ते लिखे गए, सतलुज के किनारे, सतलुज का बकायदा जिक्र है, चनाब का बकायदा जिक्र है, सिंधु नदी का बकायदा जिक्र है, पंजना का बकायदा जिक्र है वेदा दे विच। और वो वेदिक अहद जड़ा है
उन ऐत देवे एक गुंडागर्दी थी है और गुंडागर्दी ये थी है कि वेदा देवे च मकामी आदमी को राक्षस लिखा गया, बशाश लिखा गया, बिड्डा लिखा गया और आज तक मकामी आदमी को इवें ट्रीट किया वे जिमें वेदा दे ब्राह्मण ने साकू ट्रीट किया। वो ब्राह्मणिज्म आज भी बरकरार है। मुल्तान और वसेब की तारीख का त्रीजा दौर यह है जिको अस महाभारत का दौर आ गया। महाभारत और रामायण जन लिखी गई है उंगली भी मुल्तान आबाद है और गंधारी और धुरिष्टर जड़े हैं वो कौरवों के इतों सरदार हैं और शहजादी है गंधारी और जेडे कौरवों और पांडुओं का मुकाबला थे ये कौरवों का सिंधु सवेरा है ये इलाका इतना सिंधु सवेरा जी कौरवों की हकूमत है और उन्होंने मुकाबला थे पांडुआ न बदकिस्मती वेले कौरवों को शिकस्त थी गई पांडु जीत गए किरशन ते इंदर उन्होंने नाल हूँ अर्ज ये है कि जेडे लोग भारत और पाकिस्तान की दुश्मनी को इस्लाम नाल मुंसलिक करें उन्हों को भी तारीख पढ़नी चाहिए। हिंद और सिंध शुरू तो अलग हैं पाकिस्तान तना भी मौजूद है जेडे वेले महाभारत थी दिखे क्योंकि हिंद और सिंध की तकसीम हूँ वेले भी मौजूद है। वो बुद्धिस्ट रिनेसांस का दौर असों को आदे बुद्धिस्ट बुद्ध निषाद सानिया का दौर है। वो दौर है जिंदे विच पानीनी जड़ा है वो इतना मुल्तान दा सारे वसेब दा बंदा है मियांवाली दे नाल उन्दा कह रही पानीनी वो बंदा है जहाँ संस्कृत दी ग्रामर लिखी है। पानीनी वो बंदा है जेड़े जेकु दुनिया दा पहला ग्रामेरियन आखा में यानी दुनिया दे विच लैंग्वेजेस दी अगर तारीख शुरू थी है और बाकायदा ग्रामर शुरू थी है तो वो मुल्तान ही शुरू थी। बेशक इन्दे बाद अगला दौर है उन्दे बाद राजपूतां दा दौर है और हूँ मैं राजपूतां दे चूंकि घर खड़ा तो आप ही राजपूत। अच्छा इन्हां दा किस्सा है कि ये नून कांजू कलियार उतरा हतार ये पांच भिरा हैं राजा राजवदन दे और उतरा मैं उतरा हाँ ये नून है लिहाजा मैं अपने भिरा दे घर रहना। बेशक वेलकम सर। राजपूतां दा जिहड़ा है ही ना जमाना उन्दे विच ये सारी जिहड़े लाहौर जिहड़ा फॉर दैट मैटर लाहौर भट्टियां दी हकूमत है भट्टी राजपूत कासिम है मुहम्मद राजा दाहिर अगरचे ब्राह्मण है लेकिन उन्दे सारी जिहड़ी फौज है वो सारे राजपूत हैं। तो पता है जिले राजा दाहिर को शिकस्त थी है उन्दी बीवी ये झूठा इल्जाम है उन्दे ते कि उन्हें भेड़ नाल शादी की थी। ब्राह्मण को तो अपने सोत्र नाल शादी ना कर सकता है तो भेड़ नाल कीवें शादी करें दई जेड़ा भेंड जेड़ा सोत्र को ना परनी दई उन्दे ते मना है। ए एक इल्जाम लाया वेंदे मकामी आदमी दे उते के कब्जा गीर जेड़ा बार हुआ दे मोहम्मद बिन कासिम बेशक इस्लाम गिन के हैं लेकिन इस्लाम इतना सूफी गिन के हैं इस्लाम दा तोहफा साकू सूफिया ने दिते मोहम्मद बिन कासिम तो इतु 13,300 मन सोना मुल्तान चो चा गई। अरबा ने लिखे कि मुल्तान जड़ा है बैतु ज़हब है सोने दा घर है 13,300 मन सोना जड़ा है मोहम्मद बिन कासिम चा अरबा दी इतना वाला 300 साल हुकूमत रही है और ये हकूमती जंग है इक्तदार दी जंग है जेड़े महमूद गजनवी इत्था है उन्हें के को शिकस्त दी है उन्हें दाऊद अबुल फतह को शिकस्त दी है इत्था इस्माइलिया दी हकूमत है गजनवी ने आके मुसलमानों की अरबों की हकूमत को शिकस्त दे के दे तुर्कों की हकूमत कायम की थी। गजनवी जड़ा है वो तुर्क है। अर्ज यह है कि यह तारीख इवें चलती पी है मुल्तान हुए भी मौजूद है बल सुल्तानी सुल्तानेट पीरियड जो असाध है वो है जड़े वे बहाव लख जक्रिया मुल्तानी इतना के आबाद थे वो दौरे उको असाध है सल्तनेट पीरियड एहद सुल्तानी जिले इतना चार यार मशहूर हैं जिन्होंने इतना इस्लाम फैलाया। वो चार यार केड़े केड़े हैं वो चार यार हैं बहाव लख जक्रिया मुल्तानी बाबा फरीद जेड़ा कोठे वाले दा है मुल्तान दा
शहबाज कलंदर जड़ा 7 इंच चला गया और उनको कोई भाव लग जकरिया ने मशवरा दिता कि तुस 7 इंच बनो और चौथा बंदा तुम्हारा हमसा है जलालुद्दीन सुरख बुखारी ओज शरीफ ये चार यार हैं जिन्हें दी वजह को सारे को साको इस्लाम का तोहफा मिले फातहीन की वजह को नहीं मिला फातहीन तो लुटन वास्ते आने कोई भी फातह हो कहीं भी मजहब का हो लुटन वास्ते आने अगला दौर है मुगलों का ये वो दौर है जो हिस्टारिकल लाइट के पूरी तरह मौजूद है ये तुसा स्टूडेंट्स को अजबर होने चाहिए ने चीज़ा जल्द बहस थी वे अकबर ने पहली दफा 1572 तो 1580 के दौरान इंतजामी इसलाहत किए इंडिया के उन्हें हिंदुस्तान के दरिया साहब 12 सूबे बनाए मुल्तान सूबा ही जल्द अकबर ने नवे सूबे बनाए ऊ वे मुल्तान उन्हें 12 सूबिया सूबा ही वाल अकबर ने दक्कन जल्द फतेह किए उन्हें 3 सूबे ऐड किए 15 सूबे थे गए मुल्तान सूबा रह गए शाहजहान ने 5 नवे सूबे ऐड किए और काबुल और कश्मीर को मुल्तान को अलहदा किए मुल्तान वाले सूबे रह गए औरंगजेब ने 3 सूबे भी ऐड किए गोलकंडा और बीजापुर वगैरह उन्हें सीरा गालबन गोलकंडा और बीजापुर फतेह करके उन्हें नवे सूबे बनाए 23 सूबे हिंदुस्तान ने वल भी मुल्तान सूबा ही 1818 पहली दफा सारे नाल क्रोध थे जेड़े ले आके इतर रंजीत सिंह ने कब्जा किए और मुजफ्फर खान ने शहादत दी मुल्तान सूबा बरकरार रह गए सिखां दी भगी दे बावजूद सिखां दी लुटमार दे बावजूद सिखां दी गुंडागर्दी और बदमाशी दे बावजूद रंजीत सिंह ने मुल्तान दा सूबा नहीं त्रोड़ा ना को जुरत थी कि मुल्तान दे सूबे को खत्म करे मुल्तान दा सूबा कैं खत्म किया बस मैं इया गाल करके मैं गाल मुल्तान दा सूबा खत्म थे 1849 जेडे अंग्रेजा ने आके कब्जा किया साम्राजी कब्जे के नतीजे मुल्तान दा सूबा खत्म थे वसेब दा सूबा पहली दफा 1849 अंग्रेजा ने खत्म किया और उन्हां को क्या काविड़ आई लाहौर नाल जम करन दी ओ काविड़ यह आई कि इत्थां उन्हां दे दो अफसर कतल थी गए वान सैगनी और लेफ्टिनेंट एंडरसन ये दो बंदे इत्थे कतल थी गए और 10 महीने मुल्तानिया ने मुसलसल मजामत की थी और रंजीत सिंह की औलाद का एक बंदा दलीप सिंह जड़ा है वो अंग्रेजा ने नाल है ये वो जमाना है जड़े मुल्तान की सूबाई हैसीयत पहली दफा 1849 दे विच खत्म थी है और इत्थों सारी बदकिस्मती की कहानी शुरू थी वैसे तो इं वसेब ते हर हर जमाने च करबला रह गई है सारे त्रै दरिया वे गए असा करबला आलें को याद करें कि त्रै दिन पानी बंद रह गई असा सारा वसेब रोंदे सारे जाकिर इत्थों बन के लखनऊ तक मजलसा पढ़ते और आले रसूल का गम असा मनाने कि त्रै दिन पानी बंद थी सारे त्रै दरिया बेच त्रै दिन के पानी को असा याद करें करबला आलें को याद करें आले रसूल को याद करें त्रै दिवारा का पानी बंद सा को याद है क्योंकि सारे नबी का घर आई उनके उत्ते जुल्म थे और सारे वसेब ते जड़ा जुल्म थे असा वो निमाने लोग हैं जेड़े असा अपने वसेब ते जुल्म को याद ही नहीं करें सारे त्रै दरिया उन्होंने मौजूद तहजीबा खत्म थी ने पेन असा उनके वास्ते कोई एफर्ट नहीं करें कोई जदोजहद नहीं करें और उनकी गाल ही ऐसा करना मुनासिब नहीं सी अच्छा हुण असा क्यों आदे हैं सूबा नवा सूबा असा नहीं मंगते पे बाबा असा आदे हैं अंग्रेज ने जड़ा कब्जा किया है 1849 दे विच उन कब्जे को खत्म करो सारा सूबा बहाल करो ये सारा सूबे दी बहाली दा मुतालबा है और देखो 47 च असा आजाद थी गए ना तुसा सदर ही ना स्टूडेंट्स काउंसिल दे सी नायब सदर इसमें ग्रामी क्या था तुसे सदर से तुम्हारा नाम क्या जी सारे चांडी में अच्छा अर्जे है कि नईम खान अर्जे है मेरा बड़ा असा इतना है कॉलोनियल एबरेशन है ये एक साम्राजी क्रोध के नतीजे विच सारा सूबा खत्म किया गया हूं के खिलाफ असा जद्दोजहद की थी
पाकिस्तान बनाया, पाकिस्तान आजाद थी गया, लेकिन असद आजाद नहीं थे ना, साको तो सारा सूबा नहीं मिला। साम्राज्य क्रोध सारे वास्ते तो बरकरार है। ऐसा कहीं पंजाबी दे दुश्मन कोई नहीं, ऐसा कहीं उर्दू स्पीकिंग दे दुश्मन कोई नहीं, ऐसा सारी जुबान का एहतराम करें ना, जुबान का किस्सा भी सुनियो ना, इवें एक मिनट दे, जुबान का किस्सा यह है कि एक जमाने दे विच दुनिया दे विच 12,000 जबाना बोलिया मैंने, इवेले 6,700 कुछ जुबान बच गई, लेकिन तकरीबन अद्धा जुबान जो मुक गए। यूनाइटेड नेशंस ने और तमाम जिंदा अकवाम ने अपनी हर जुबान को, चाहे उंदा बोलने वाला एक बंदा भी रह गए, महफूज चावन दे हल्फ लिखे हुए, कोविनेंट लिखे हुए, मुआहदे लिखे हुए। साहब मेरी मादरी जुबान सराकी है, मैं अपनी मादरी जुबान नाल मुहब्बत करें ना, ते मेरे जिया बेवकूफ पुत्र बिया कोई हो सके कहीं बेदी मादरी जुबान नाल नफरत करे। मैं जिमें अपनी जुबान नाल मुहब्बत करे ना, मैं आदा कि सारे लोग अपनी अपनी जुबान मादरी जुबान नाल मुहब्बत करें। स्विट्जरलैंड एक मुल्क है छोटा जी, 80 लाख उनकी आबादी है, तो आप पता है उन्हें कितनी सूबे हैं? 26 सूबे हैं, कैंटोन आंदे आधे उन्होंने को कैंटोन्स, और उत्था 26 कैंटोन्स हैं उन्होंने, उन्होंने त्रोड़े ओ मुहे बेवतन हैं। अजीब मुल्क है, तुसा मुतमैन रहो, ये रियासत पाकिस्तान इंशाल्लाह कायम रासी, और सारी जदोजहद ई मुल्कों और अपने वसेब को मजबूत करन करन वास्ते। अच्छा दूजी गल है कि मारका तुसा वोट देंदे हो गोदे को, सरदार को, भुतार को, डाकू को, लुटेरे को, आम बंदे को वोट नहीं दे सकते, आम बंदा हीरो नहीं बन सकता। ई वसेब वास्ते कुर्बानी आम बंदे ने दी है। मेरे को दसो रोपलो कोहली कौन है? कोहली जात का एक बंदा है जो अंग्रेज ने फांसी लई है, ये वतन की खातिर जदोजहद करना पे। राणा रतन सिंह कौन है? आम बंदा है। उकु राणा साहब राणे का खिताब बाद में दिया गया, आम बंदा है जो जदोजहद की थी। और पता है उकु सूली की सजा दी थी? राणे हमीर सिंह को से मिलन गया वहां के, तो पता है सूली और सलीब में क्या फर्क होंगे? सलीब होंगी है जिमें तुम हजरत ईसा अलैहि सलाम की तस्वीर अगर डिठी हो तो बंदे को इं करके उन्दे हत्थां उन्दे लत्तां उन्दे सीने पहले मेखा ठुके न ते वाल उन्दा खून वांदा रहने ते उठा ही मारवे न सलीब देते। सूली और राणा साहब ने दसा मेरे को अमीर सिंह ने उन्हें आखा, एमपीए भी है सिंध असेंबली का, उन्हें आखा सूली ये होंगी है कि जेडे राणा रतन सिंह को सूली की सजा दी गई उकु इत्थों ई जा तो नाफ तो बर्मे नाल कटन शुरू किए ना, जल्द इतने पहुंचन जस्ट दो हिस्से तकसीम थे। दिस इज हाउ दे किल सन्स ऑफ द साइल्स। जमींजादा को इन तरीके नाल गोरे ने मारा ही, और हूं गोरे ने सारा सूबा खत्म किया। और राणा रतन सिंह बंदा ही आम बंदा ही, उसको सरदार कहना ही आम बंदा ही, उसको जल्द आखे ने कि फांसी देवन को पहले उन्होंने को पूछे ने राणा साहब ही वास्ते ऐसा आम बंद राणे की कदर करें, उन्हें को पूछे ने कि तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है? दरेजा साहब राणा रतन सिंह को पूछे ने तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है? वो आके मेरे हाथ खोल लो। उन्हें हाथ खोले ने दोहा हाथ नाल मुछा दे तार दीते से आके सी हुण मेरे को पास ला रहे। क्या बात है, मुजफ्फर खान को ही मैं आखा ने मुजफ्फर खान नाल बकायदा मुजाकरात थी रह गए। उको आके ने हथियार छड़े चाबियां दे चा शहर दिया, वो आके चाबियां मेरे डेढ़ है मेरे डेढ़ पड़े सो तो चाबियां निकल से ना चाबियां नहीं मिले। जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है, जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। जीवो जीवो जीवो। मैं मोहब्बत की राजधानी हूँ, मैं मोहब्बत की राजधानी हूँ, मुझ पे चलता नहीं है राज मेरा। ऐसा मोहब्बती लोग हैं सारे, तो सारा राज कह नहीं राज को ब्याह करें पे। और मैं तो रहता हूँ दश्त में मसरूफ,
कैस करता है काम काज मेरा। मैं आखिर एक शेर आजकल मैं बड़ा पसंद है, मैं दोस्तों को सुने रहे हैं तो सारे दोस्त बैठे एक शेर कि वो एक मैंने कहा कि वसेब दी हालत देते मैंने कहा खराब हूँ गर्दिशे चश्मे मस्त से, मैंने कहा खराब हूँ गर्दिशे चश्मे मस्त से, उसने कहा कि रक्स कर सारा जहां खराब है। ये जो रक्स है ना झूमर मरेंदे उमर का, ये झूमर ही निजात है, ये झूमर ही और रक्स है जेड़ा तो आपको कायनात नाल और वसेब नाल हम आहंग करेंदे। कायनात नाल और वसेब नाल जेड़ी शायद तो आपको रलें दिए वो ही और रक्स है झूमर है। अच्छा होना सा एक गाल भी मैं आखिर ते एक गाल करे सा के गाल ये है के सुबह तो बानवे सी ये नविश्ते दीवार है को कोई रोक ही नहीं सकता। मैं तो आपको खुशखबरी सुने दा पिया के सूबे को कोई रोक ही नहीं सकता, सुबह बानवे सी एक काम करो अर्जे है कि कुछ काम करो कारी साहब तो क्या इसमें ग्रामीण कारी सरदार साहब वही सरदार ही वे कारी साहब अर्जे है तुहारे फर्ज तुहार खैर फर्ज भी है मेरा फर्ज कोई नहीं लेकिन मैं इवें गाल करेंदा पे अर्जे है कि झूमर मारो एक दूजी गाल है कि सूबा बनवे सी अखलाकी तौर पर अपने आप को बुलंद करो। मसलन यार ये वसेब ते खीर मंगो ना कहीं को मुफ्त दे रहे हैं हूँ पानी मिला के ना बेचो, इतना तो खीर मुफ्त मिल रहा है खीर को अल्लाह का नूर आ दिया से इो फर्क पैदा करो। बाकी वो जड़े मिर्चा च बुरादा मिले ना जेड़े हर शायद मिलावट करें देन और कम तोल के हर शायद बेचे देन उन्होंने च और सारे च फर्क होना चाहिए कि तुझा अखलाकी तौर पर बुलंद थी वो मिलावट ना करो। कम अज कम खीर च पानी ना पियो पाओ यार सारे बाल पीने हर कहीं दे बाल पीने ए वो चीजें हैं इमें बालों को पढ़ाओ अखलाकिया अदब पहला करीना है आदाब मोहब्बत में रिस्पेक्ट चार चीजें होने जब मैं गाल में लेक्चरर रह गया असल मैं गाल करने की आदत है लंबी ना से मजा आता भी है। अच्छा जी कांग्रेस से जंग लेंगे आखिरी 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 गाल मैं अदब वाली गाल करे सा उन लोगों ने पहले मैं गाल करे ना पिया मैं आम बंदे दी देखो यार आशिक बुजदार या राणा फराज नून या शाहनवाज खान मशहूरी या अपना किबला जहूर धरेजा साहब ये लीडर नहीं बन सकते। आम बंदे सिर्फ फांसी चढ़ने वास्ते होने ओ यार इन ए लीडर हैं चाली चाली साल तू कोई पंजवी साल तू कोई डा साल तू सराय की वसेब 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 वतन 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 पाकिस्तान 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 करें दे वदन हुन इन्हें वाल देखो ये वक्त ही वे वरना वो जमाना अगर जब क्यामत दी चाल चल वे ना उन्हें इन्हें वाल देखो ये होना मैं एक एफर्ट की थी सारे दोस्तों ने शाह नवाज मशहूरी ऐसा बंदा है ही इज एन ऑप्टिमिस्ट थ्रू एंड थ्रू। ऑप्टिमिस्ट कौन होने जेड़ा उम्मीद परस्त होने सारे बंदे को इकट्ठा करे सी मिन्ता करे सी वल उन्हों को आखसी आओ नाल जुलते हैं काम करे हैं अगु बंदे हो सन ना हो सन उन्दी चेहरे दे उते मुस्कुराहट बरकरार उसी धरेजा साहब राणा फराज नून सारे सवेर दे वदन बड़े साकू वक्त अजीज कोई नहीं साकू बाल अजीज कोई नहीं इन्हा को कोई नहीं ये जो वदन थे इन्हा को रिस्पेक्ट है और इन्हा को लीडर बनाओ ये लीडर हैं तुम्हारे असली लीडर ये ही वे। अच्छा रिस्पेक्ट दी गाल के वदन जी मोहब्बत जड़ है ना ये तो बड़ा फोर्स लव्ज है असल चीज होती है प्रोडक्टिव रिलेशनशिप। प्रोडक्टिव रिलेशनशिप क्या होंगे ओ प्रोडक्टिव रिलेशनशिप तुसा अपने लीडर्स नाल बनाओ उन्दे चार चीजें जरूरी होने एक होंगी है रिस्पेक्ट सब तो पहले रिस्पेक्ट नेपोलियन एक औरत नाल मोहब्बत करेंदा ही उन्दा ना ही जोसेफिन
वो एक ब्रिगेडियर दी बीवी है अपना पिस्तौल अपने हस्बैंड दा पिस्तौल गिनन वास्ते आई है उंदा पाया मार मार आई नेपोलियन ए एक जाट आई समझो देहात तो है वो जो पिस्तौल गिनन आई इतनी वो डिसेंट और खूबसूरत औरत है कि नेपोलियन साहब वो जड़ा फाते जरनेल आई उड़े गए मोहब्बत गिरफ्तार थी गई शादी की दरखास्त पेश की तरह शादी थी गई वह लड़ाई थी गई उन्हें खातून ने कोई बेवफाई फरमाई वो लड़ाई फसाद मच गया डाइवोर्स थी जेडे सेंट हेलेना दे विच कैद है नेपोलियन इन उस्मान अपनी वेल लिखवाई है विच इज ए पीस ऑफ लिटरेचर इट्स वर्थ रीडिंग नेपोलियन दी वसीयत है